न्यूयॉर्क के बाद अब जिल्लत का अगला स्टॉप लंदन करार पाया है अकवा मुतह की जनरल असम्बली के अजलास में शिरकत करने के बाद वजीर अजम शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ लंदन पहुंचे जहां पर वो अपने बड़े भाई और अपने ताहियात कायद नवाज शरीफ से मुल्कि मामला पर मुखरा और करना चाहते थे और उनसे मुशावरत भी करना चाहते थे ऐसे में पाकिस्तानियों ने एक बार फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और अब की बार उनका निशाना वफाकी वजीलात मरियम औरंगजेब थी इससे पहले न्यूयॉर्क में जब शबाज शरीफ अकोदा की जनरल से इजलास कर रहे थे तो पाकिस्तान के ओवरसीज कार मुत्यादा की, की जनरल के इजलास के दौरान बाहर खूब एहतजाज किया गया और इससे पहले शहबाज शरीफ का इस्ते करने के लिए भी इंपोर्टेड हकूमत नामंजूर चेरी ब्लासम के पोस्टर्स किए गए थे अलबत्त अब सेंट्रल लंदन में वफाकी वजी तलात नशरियात मरीम औरंगजेब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेर लिया जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है मरीम औरंगजेब का घेराव एक कॉफी शॉप में किया गया वजीर इतलात को देखते ही मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने खूब पाकिस्तान में सैलाब आया जहाज का नहीं बल्कि टैक्सी या फिर किसी बस का सफर हो वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीम औरंगजेब एहतजाज के बावजूद हाथ में कैन लिए अपने मोबाइल फोन में मगन नजर आ रही हैं उन्होंने करने वालों को नजरअंदाज किया इससे कबल भी ऐसा वाक्य न्यूयॉर्क में पेश आया था जहां पर इंपोर्टेड हकूमत नामंजूर के बैनर किए गए मुत्यादा की बिल्डिंग के बाहर एहतिया लंदन सामने आने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम औरंगजेब कॉफी शॉप से निकलती है उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है तो उस वक्त भी यह एहत करने वाले उनके पीछे चलते हुए उनकी वीडियो बनाते हैं और उनको डड्डू चार्जर और इस तरह के दीगर नामों से बुलाते हैं लेकिन मरियम औरंगजेब की जानेब से कोई जवाब नहीं दिया जाता इससे बंदी एहसन इकबाल के खिलाफ अवाम ने चोर चोर के नारे लगाए थे जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी अलबत् बाद शायद हुकूमती प्रेशर या फिर किसी और बात की वजह से ये जोड़ा एहसन इकबाल के घर माफी मांगने के लिए भी गया था